हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम 150 क्वेश्चन से टोटल अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा क्लास में, यहीं से आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो क्लास आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ए ओ ह्यूम के पहल पर की गई थी। बी इज द राइट आंसर होगा, ए ओ ह्यूम बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को मुंबई में हुआ था जो पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम हुआ था, अधिवेशन। तो ये आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो राइट आंसर होगा ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन काल में पारित किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर बताइएगा, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा की गई थी। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय होगा, लाला लाजपत राय। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे दीजिएगा आपका, तो राइट आंसर को लॉर्ड रिपन के समय में पेश किया गया था, लॉर्ड रिपन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सी इज द करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने भी आंसर लगाया होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए दिए गए, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, ये भी सही है। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी सही है, इसीलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर दीजिएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे बहिष्कार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया सोधे, बिल्कुल सही थे। राष्ट्रीय शिक्षा, बिल्कुल सही था। राष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये सभी साधन थे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर बताइएगा, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है?
ये सभी को पता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन आप लोग ने आंसर लगाया होगा इस क्वेश्चन का, बाल बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर होगा यहाँ पे लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, लाला हरदयाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आंसर इसका बताइएगा, आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सरदार भगत सिंह। ए इज द राइट आंसर, सरदार भगत सिंह ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया, केंद्रीय संगठन का अभाव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया, उच्चतम मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ? तो आंसर दिया गया इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ या कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? इस क्वेश्चन का बराबर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1916 में हुआ था। सी इज द राइट आंसर, 1916 सी इज द राइट। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर इतना आप लोग अटेंड कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, टीआरपी हो आपका जो एग्जाम वाला है बीपीएससी का उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, श्रीमती एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमुख होंगे, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो आंसर बताइएगा, तो आंसर आप लोगों ने दिया होगा, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायरा किए किसी व्यक्ति को बंदी सकती थी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो आंसर आप लोग का आंसर दीजिएगा, आंसर दिया होगा आप लोगों ने राइट आंसर, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड की जांच सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आंसर बताइए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए दे, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दे, विदेशी माल का बहिष्कार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों उपाधियों का त्याग, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोगों ने आंसर दिया होगा, चौरी चौरा कांड के कारण, डी इज द करेक्ट आंसर, चौरी चौरा कांड के कारण डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, देश बंधु चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, देश बंधु चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ए इज द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे यहाँ पे कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे बजट को रद्द करना, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया आपका नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों पर अधिकार, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या, उपयोग सभी कार्यक्रम डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आंसर होगा फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 इज द राइट आंसर होगा, फरवरी 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। तो राइट आंसर होगा एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पे ए दिया गया आपका कि वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया बृहत भारतीय परिषद की स्थापना, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी दिया गया संघ शासन की स्थापना, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा उपयोग सभी सिफारिशें की गई थी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। एक बार फिर से, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका सर शिवा स्वामी अय्यर का है, सर शिवा स्वामी अय्यर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन, ऑप्शन ए देखिए, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए। तो राइट आंसर होगा उपयोग सभी सुझाव दिए गए थे, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 20 इज द करेक्ट आंसर, 6 अप्रैल 1930 को किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया कि वाहनों को शराब अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धारणा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर उपयोग सभी डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। तो आंसर बताइएगा, तो राइट आंसर होगा 12 नवंबर 1930 हो जाएगा, 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोगों ने आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17 नवंबर 1932 में किया गया था, 17 नवंबर 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाए। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी बातें सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो आंसर राइट ऑप्शन ए दे, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों द्वारा दबाव। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दे, गांधी जी की नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। ऑप्शन सी दे, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर उपयोग सभी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 में पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ऑप्शन ए, क्रिप्स कमीशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। ऑप्शन सी दिया, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी कारण। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? मिस्टर जीना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? तो राइट आंसर होगा राजगोपालचारी योजना। राजगोपालचारी योजना हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बम्बई में किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, बम्बई में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, 1906 में की गई थी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, चंपारण में, जो कि पहला था ये अपना, और ये बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड डफरिन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हरिजन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1940 में लाहौर में, ठीक है, 1940 में लाहौर में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस किया गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? केसरी और मराठा
पात्रों के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1891 में की गई थी, 1891 की गई थी, बी इज द राइट। नेक्स्ट को, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, अनुशीलन समिति की संस्था स्थापना की गई थी, अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? विदेशों में क्रांतिकारी करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए दिया गया है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया गया लाला हरदयाल, बिल्कुल सही थे। ऑप्शन सी दिया गया भाई परमान, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ठीक है, क्या थी यहाँ पे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया गया सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में आस्था सुरक्षित रखेंगे, बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी दिया गया केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। ऑप्शन सी दिया गया दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्था एवं सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व तो क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व तो क्या थी? ठीक है, ऑप्शन ए दे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दे युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर, लुई विलियम डिरोजियो, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बड़ा काम किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन ने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याप्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आर्य समाज से संबंधित है, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी राज्य चाहे वो कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करेंगे, आंसर बताइएगा इसका, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राज नारायण बसु। ठीक है, राज नारायण बसु थे, बी इज द करेक्ट आंसर, राज नारायण बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग,
स्वदेशी आंदोलनों के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो आंसर देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका राम सिंह कुका। राम सिंह कुका ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर डी इज द राइट आंसर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? ठीक है, 1879 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन से संबंधित है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटन के समाज की हालत क्रांति के कारागार पर पड़ी थी, यह किसने कहा, यह किसने, सॉरी यह किसने लिखा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर विलियम वेडर वेडर बर्न है। ठीक है, सर विलियम वेडर बर्न बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दे दिया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद सी इज द करेक्ट आंसर, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, किस संगठन में अखिल भारतीय स्तर पर जाट आंदोलन चलाने की कोशिश की गई थी? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर जाट आंदोलन चलाने की कोशिश की गई थी? तो राइट आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रमेश चंद्र दत्त एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे एस एस चिपुलन चिपुलकर। ठीक है, एस एस चिपुलकर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव गोविंद राणा डे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, राइट आंसर होगा बीना सॉरी पूना सार्वजनिक सभा से। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, राइट आंसर होगा आप लोगों ने दिया होगा इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर दिया होगा आप लोगों ने आनंद मोहन बसु ने। ठीक है, आनंद मोहन बसु ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बताइएगा कि प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बरुद्दीन तैबेजी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बरुद्दीन तैबेजी और फिरोज शाह मेहता डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, भारतीयों ने चलाया था। सी इज द राइट आंसर, भारतीयों ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुधंधवी बजा दी थी? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने दिया होगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल
सोसाइटी किससे संबंधित है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है, तो आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? बताइएगा कि बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इल्बर्ट विधेयक ने कहा था, अल्बर्ट सॉरी इल्बर्ट विधेयक ने कहा था, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपने आंसर दिया होगा, योमेश्वर चंद्र बनर्जी ने किया था, योमेश्वर चंद्र बनर्जी, बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? आंसर दीजिएगा, तो आंसर दिया होगा लाला लाजपत राय हो जाएगा यहाँ पे, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ए ओ ह्यूम का है, बी इज द करेक्ट आंसर, ए ओ ह्यूम बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा ह्यूम तथा डार्विन के प्रयास, ह्यूम तथा डार्विन के प्रयास, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वायलेंट वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था, वेलेंटाइन चिरोल इज द राइट आंसर, चिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेली गेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेली गेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने दिया था, लॉर्ड डफरिन ने दिया था, लॉर्ड डफरिन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो राइट आंसर होगा उदारवादियों के हाथों में था, बी इज द करेक्ट आंसर, उदारवादियों के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया होगा दादा भाई नौरोजी, ए इज द राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा, अरविंद घोष थे, अरविंद घोष डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे न तो स्वतंत्रता भारत का सपना दे सके और न विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उदारवादी। ठीक है, उदारवादी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गए थे, यह वक्तव्य किसके बारे में है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, उदारवादी। ठीक है, उदारवादी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोगों में से उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? प्रमुख घटना क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1905 में रूस पर जापान की विजय सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1906 में हुआ। ठीक है, 1906 में 96 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? ठीक है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, 1907 में विभाजित हुआ, 1907 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाला, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता हमारा जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका, इस क्वेश्चन का आंसर देगा प्रो। राइट आंसर आपने दे दिया होगा अरविंद घोष होगा, ठीक है अरविंद घोष बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पे और यहाँ पे पूछा है भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे, ठीक है तो संचालक पूछा गया कौन थे, तो राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे, तो पूछा गया है कि समाचार पत्र कौन से थे, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर न्यू इंडिया तथा कॉमन व्हील, ठीक है न्यू इंडिया तथा कॉमन व्हील हो जाएगा, कॉमन व्हील हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है, बताइएगा मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट का है, यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी की थी क्या थी, तो यहाँ पे पूछा गया है तो आंसर देगा राइट आंसर होगा धर्म के साथ राजनीति का, राजनीति को मिलाना, ठीक है धर्म के साथ राजनीति को मिलाना डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, ठीक है जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कुंवर सिंह थे बिहार के रहने वाले थे, ए इज द राइट आंसर बिहार, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1950 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि इसके अध्यक्ष विजय राघव राघवचार्य थे, ठीक है इसके अध्यक्ष विजय राघव राघवचार्य थे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया था, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया था, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, तो राइट आंसर असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय व्यवस्थापित में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, तो स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, तो राइट आंसर होगा कस्तूरी रंगन अय्यर, ठीक है कस्तूरी रंगन अय्यर थे बी इज द राइट आंसर कस्तूरी रंगन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे यह किसने कहा, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे यह किसने कहा था, आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगा अय्यर ने कहा था, कस्तूरी रंगा अय्यर ने सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर होगा कस्तूरी रंगन अय्यर का है डी इज द करेक्ट आंसर कस्तूरी रंगन अय्यर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है यह कथन किसके लिए किसका है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है यह कथन किसका है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का है, गोपाल कृष्ण गोखले बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे, तो राइट आंसर होगा जिन्ना, ठीक है जिन्ना इज द करेक्ट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर होगा 1916 में की गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1916 सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह
कहां से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया, ठीक है, आरंभ किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, चंपारण, जो कि बिहार में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह स्थापना आरंभ किया था, शुरू किया था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्तर क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडिया इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो सॉरी, दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्ण मेमन ने लिखा था, ठीक है, कृष्ण मेमन ने लिखा था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शासन को सुविधा पूर्वक चलाना, शासन को सुविधा पूर्वक चलाना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन से की जाती है, लॉर्ड माउंट बैटन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ए इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोगों ने भी आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? तो राइट आंसर लगाया होगा आप लोगों ने कलकत्ता, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों लगाया होगा पूना, ठीक है, पूना सी इज द करेक्ट आंसर होगा पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, ठीक है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? ठीक है, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? तो राइट आंसर होगा मजदूर मारे गए थे, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, मजदूर लगाया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? डांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 11 सूत्री मांग पर जोर देना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामा गाटा मारू क्या था? कामा गाटा मारू क्या था? कामा गाटा मारू क्या था? एक क्रांतिकारी का नाम था, ठीक है, एक क्रांतिकारी का नाम था, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनवाई? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, डी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर लगाया होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली? तो राइट आंसर क्या होगा, मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम सी इज द करेक्ट आंसर, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बताइएगा कि बंदी बनाकर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा
जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो राइट आंसर होगा तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे आप लोगों ने आंसर दिया होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक ने अनुयायियों पर आधारित है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देगा, और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आंसर होगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, बताइए वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, बताइए किस दल की। तो राइट आंसर आप लोगों ने दिया होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1939 में कांग्रेस को छोड़कर और उन्होंने क्या किया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट यहाँ पे, और केवल मैंने 56 लिया है, 46 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को करवा दिया 160 क्वेश्चन, और ये एक तरह से मॉक टेस्ट था। और वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।